दोस्तों नमस्कार, स्वागत आप सभी का गजब समाचार में। दोस्तों जिस तरह से निकिता मौली ने जैस्मिन बसीन की एक्टिंग की, आपको क्या लगा? उन्होंने हूबहू एक्टिंग की या फिर नहीं, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर अपनी राय जरूर दें। दरअसल हम आपको बता दें कि इस पर्टिकुलर क्लिप पर जनता का जो रिएक्शन आ रहा है, वो रिएक्शन आ रहा है कि निकिता मौली ने जैस्मिन की जो एक्टिंग है वो सही से नहीं की है। जी हम आपको बता दें कि आज एकता कपूर द्वारा निक्की तंबोली, पवित्रा पुनिया और एजाज खान को ये टास्क दिया गया था कि वो जब जैस्मिन एकदम से रोने लगी थी उस दृश्य को दोहराएं। और हम आपको बता दें कि इस दृश्य में पवित्रा और एजाज ने तो अच्छी एक्टिंग की, लेकिन निक्की तंबोली के बारे में लोगों का कहना है कि बस वो उछलती हुई नज़र आई, बस वो रोती हुई नज़र आई, उसमें कहीं भी जैस्मिन की झलक नहीं देखने को मिली, जैसा कि आप तस्वीरों में देख सकते हैं। हम आपको बता दें कि जनता द्वारा इस वीडियो को तो बहुत ज़्यादा प्यार दिया जा रहा है, क्योंकि इस वीडियो में कहीं ना कहीं जैस्मिन दिखने को मिल रही है और जैस्मिन के बारे में बात हो रही है, तो इसलिए जनता का प्यार देना इसे बनता भी है। और हम आपको बता दें कि जैस्मिन की एक्टिंग जो निक्की तंबोली द्वारा की गई है वो कहीं ना कहीं जनता को पसंद नहीं आ रही है। वो कह रहे हैं कि निक्की से अच्छी एक्टिंग रूबना दिलेक कर सकती थी और उसे मौका दिया जाना चाहिए। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या रूबना दिलेक ने जिस तरह से आज एक्टिंग की और जिस तरह से वो जैस्मिन की एक्टिंग कर सकती हैं, वो सही कह रहे हैं दर्शक या फिर गलत कह रहे हैं? आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करने राय जरूर दें। साथ ही अगर आपको हमारे द्वारा बताई गई ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना तो बिल्कुल भी ना भूलें।